असल डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे सो वेलकम टू टू डेज क्लास ऑफ फिजिक्स विच वी आर स्टडिंग अबाउट दस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मयरमेंट्स तो फिजिकल क्वान्टिटीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया लास्ट लेक्चर्स में तो मयरमेंट्स इनकी कैसे करेंगे हाउ टू वी मैयर दैम कैसे मयर करेंगे मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कैसे मयर करेंगे मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू और वो कौन कौन से मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच आर मीटर रॉड मयरिंग टेप वर्नियर कैलिपर्स गेज और इसके अलावा हमारे पास है मैथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वीच आर फिजिकल बैलेंस लीवर बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उसके बाद हमारे पास स्टॉक वॉच है जो कि टाइम को मैयर करती है और इसी तरह हमारे पास मयरिंग सिलेंडर है जो कि वॉल्यूम को मयर करता है ठीक है तो हमने अब मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करना है तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मीटर रॉड एंड मयरिंग टेप के बारे में ठीक है आप नोट कर लें कि ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है राइट द नेम्स ऑफ लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या फिर आपसे पूछ सकते हैं राइट द नेम्स ऑफ मैथ मईरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है राइट द नेम्स ऑफ राइट नेम्स ऑफ लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लेंथ या फिर मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं ठीक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ओके तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्टूडेंट्स आपने पास्ट में अगर देखा हो कि पास्ट में लोग कैसे टाइम देखते थे या फिर कोई भी चीज़ थी उसको मयर कैसे करते थे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी थी उसको मयर कैसे करते थे अगर आप टाइम की ही बात करें तो टाइम कैसे मैयर किया जाता था पास्ट में सूरज को देखते हुए या फिर रात के टाइम तारों को देखते हुए ऐसे ही सूरज को देखते थे कि उसकी मूवमेंट को देखते थे और फिर अंदाजा लगाते थे कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है और इसके अलावा रात के टाइम तारों को देखते थे और टाइम का अंदाज़ा लगाते थे जो कि बिल्कुल भी एक्यूरेट एंड रिलायबल नहीं होता था लेकिन आज के दौर में अगर आप बात करें तो हमारे पास हैं डिजिटल वॉचेस डिजिटल वॉचेस हैं एंड क्लॉक्स हैं एंड क्लॉक्स हैं जो हमें एग्जैक्ट टाइम बताते हैं ठीक है और ये ज्यादा एक्यूरेट एंड रिलायबल हैं देन द पास्ट इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है तो वट आर मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या करते हैं दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मयर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मयर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है जी सो द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मयर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अब बात कर लेते हैं वट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट या फिर वट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एनी मयरिंग इंस्ट्रूमेंट वट इज अ लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट होता क्या है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कि हम किसी भी मयरिंग इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं उसे लीस्ट काउंट कहते हैं ठीक है स्मॉलेस्ट रीडिंग जो हम किसी भी मयरिंग इंस्ट्रूमेंट से लेंगे उसे लीस्ट काउंट बोलेंगे आपकी बुक में बिल्कुल भी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है लेकिन अगर आप देखें मीटर रॉड वाले पेज पर मीटर रॉड वाले पैराग्राफ में अगर आप देखें मीटर रॉड

हम यहां से इसको काट देते हैं वन मिलीमीटर ठीक है द स्मॉलेस्ट रीडिंग द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल की जगह पर आप लिखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देन इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट क्या लिखेंगे दी स्मॉलेस्ट रीडिंग द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी Taken using a measuring instrument, measuring instrument is called least count of that measuring instrument. Okay. काउंट ऑफ दैट मयरिंग इंस्ट्रूमेंट तो हमने देखी लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है लीस्ट काउंट की डेफिनेशन can रीडिंग दैट कैन using टेकन बायरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ठीक है सो हमने डिस्कस किया मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में व्हाट आर मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट अब बात कर लेते हैं मीटर रॉड एंड मयरिंग टेप के बारे में वट इज अ मीटर रॉड लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है मीटर रॉड इज अ लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट इससे हम किस क्या मयर करते हैं लेंथ मयर करते हैं लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मैयर कर सकते हैं लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मैयर करने के लिए ये यूज होता है लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेकिन इसके अलावा हमने अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी टू पॉइंट्स के दरमियान में तो हम कैसे मैयर करेंगे मीटर रॉड के थ्रू डिस्टेंस को भी मैयर करने के लिए यूज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को भी मैयर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे मीटर रॉड ठीक है डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट ये है और हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे मीटर रॉड के थ्रू लेकिन अगर ये डिस्टेंस डिस्टेंस वन मीटर के अंदर अंदर है वन मीटर के अंदर है यानी कि वन मीटर से कम है तो फिर ही हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि मीटर रॉड सिर्फ इसकी लेंथ क्या है वन मीटर लॉन्ग है सिर्फ वन मीटर लॉन्ग है यानी कि वन मीटर से ज़्यादा लेंथ हम मीटर रॉड से मैयर नहीं कर सकते अब बात कर लेते हैं मीटर रॉड के बारे में कि इसके अंदर अगर हम बात करें वन मीटर है तो वन मीटर के अंदर हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं जिनकी ऊपर मार्किंग की गई है ठीक है वन मीटर के अंदर हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं और हर सेंटीमीटर को टेन डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है टेन डिवीज में और हर डिवीजन अगर वन डिवीजन की बात करें वन डिवीजन किसके इक्वल है मिलीमीटर के, ठीक है? So, सो इससे आगे मीटर रोड को डिवाइड नहीं किया क्या? इसकी जो लास्ट रीडिंग है यानी कि लीस्ट रीडिंग है स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो वन मिलीमीटर है स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है वन मिलीमीटर mm. यानी के वन मिलीमीटर mm से कम लेंथ भी हम इसे मैयर नहीं कर सकते सो द रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग अ मीटर रॉड इज कॉल्ड इज कॉल्ड व्हाट लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट ऑफ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट एलसी मीन्स लीस्ट काउंट सो वट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इट इज वन मिलीमीटर ओके समझ आ है आपको वट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इट इज 1 मिलीमीटर ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड ओके उसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं मेजरिंग टेप के बारे में लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमने आ, कोई भी लेंथ कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड तो हम कैसे करेंगे हमारे पास सपोज करें ये एक मीटर रॉड है ठीक है ये उस पर रीडिंग्स स्केलिंग हुई हुई है एक मिनट ठीक है तो यहां पर रीडिंग्स है हमारा ऑब्जेक्ट फर्ज करें उसकी लेंथ है इतनी और हमारे पास लेंथ आई फर्ज करें हमारे पास जो लेंथ नॉट हुई वो है फिफ्टी लेकिन अगर हम इस लेंथ को यहाँ से देख रहे हैं यानी के तिरछे तरीके से देख रहे हैं साइड से देख रहे हैं तो हमारे पास गलत लेंथ रिकॉर्ड होगी ठीक है इसी तरह अगर हम यहां से देखें तब भी हमारे पास लेंथ गलत रिकॉर्ड होगी तो लेंथ सही कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे हम कहाँ से देखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल सही मेजरमेंट आएगी बिल्कुल इसके ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास सही मेजरमेंट आएगी ठीक है आ गई समझ इसके बाद अब स्टडी कर लेते हैं मेजरिंग टेप के बारे में वट इज अ मेजरिंग टेप लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये भी क्या है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैयर करता है लेंथ को इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स क्या करता है मैय करता है लेंथ को इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके अंदर एक लॉन्ग सी ए स्ट्रिप मौजूद होती है जो कि मेटल या फिर कॉटन से मिलकर बनी होती है किससे मिलकर बनी होती है मैटल या फिर कॉटन से मिलकर बनी होती है ठीक है इसके अंदर एक लॉन्ग स्ट्रिप होती है लॉन्ग स्ट्रिप होती है जो मैटल या फिर कॉटन से मिलकर बनी होती है मेटल या फिर कॉटन से या प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रिप की लेंथ के बारे में कितनी इसकी लेंथ होती है ये वन मीटर टेन मीटर लॉन्ग भी हो सकती है टेन मीटर लॉन्ग भी हो सकती है ट्वेंटी मीटर लॉन्ग भी हो सकती है फिफ्टी मीटर लॉन्ग भी हो सकती है एंड हंड्रेड मीटर लॉन्ग भी हो सकती है ठीक है सो इसकी लेंथ जो है वो वैरी करती है कुछ मयरिंग टेप्स में इसकी लेंथ होगी टेन मीटर कुछ में होगी ट्वेंटी मीटर कुछ में फिफ्टी एंड कुछ में हंड्रेड मीटर ठीक है तो अब अगर हम इसके लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट है लीस्ट काउंट वन सेंटीमीटर क्योंकि ये मैर करता है लेंथ को इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स में ये मैयर नहीं करता दैट्स वाई इसकी जो लीस्ट काउंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो वन सेंटीमीटर है वन सेंटीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मयरिंग टेप इससे कम लेंथ ये मैयर नहीं कर सकता ठीक है सो इसके अलावा अगर हम बात करें मयरिंग टेप्स पर ये जो मार्किंग हुई होती है ये किस में हुई होती है इंच में एंड सेंटीमीटर्स में कैसी मार्किंग हुई होती है एंड सेंटीमीटर्स में इनकी मार्किंग हुई होती है इंच में एंड सेंटीमीटर्स में ठीक है तो हमने डिस्कस किया मीटर रॉड एंड मयरिंग डेप के बारे में वट इज मीटर रॉड इट इज अ लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मैयर करने के लिए यूज होता है और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को यूज मैयर करने के लिए यूज होता है लेकिन ये डिस्टेंस जो होना चाहिए वन मीटर से कम होना चाहिए अगर वन मीटर से ज्यादा होगा तो हम डिस्टेंस मैयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मीटर रोड की लेंथ ही वन मीटर है ठीक है उसके अलावा अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट है वन मिलीमीटर यानी कि वन मिलीमीटर से स्मॉल लेंथस भी हम इससे मैयर नहीं कर सकते ठीक है और इसके बाद अगर बात करें कि हमने इससे रीडिंग लेनी है और हमारे पास ये एक लेंथ है ऑब्जेक्ट की हमने ये मैयर करनी है और हमारे पास रीडिंग आई फिफ्टी लेकिन अगर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम दी लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड से तो हमारे पास रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी रीडिंग में एरर आ जाएगा इसीलिए अगर हम उस उसको बिल्कुल ऊपर से चेक करेंगे रीडिंग को तो हमारे पास बिल्कुल एकोरेट रीडिंग आएगी एकोरेट रीडिंग लेने के लिए हमें बिल्कुल रीडिंग को ऊपर से चेक करना है ठीक है उसके बाद अगर हम मयरिंग टेप की बात करें ये भी लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये मयूर करता है लेंथ को इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स लॉन्ग स्ट्रिप से मिलकर बना होता है विच ऑफ प्लास्टिक मेटल या फिर कॉटन से मिलकर बनी हो सकती है ठीक है और इसके ऊपर जो मार्किंग हुई होती है ये इन चीज़ या फिर सेंटीमीटर्स में हुई होती है और इसके लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट होता है वन सेंटीमीटर क्योंकि क्योंकि ये मयर ही मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स में कर रहा है मिली में मयर नहीं कर रहा तो इसलिए इसकी जो लीस्ट काउंट होगी वो वन सेंटीमीटर ही होगी ठीक है ओके okay, तो आज के लेक्चर में बस हमने यही स्टडी करना था नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय बाय